दिल नवाज आपसे मिलने आ रही हूँ साहेब, अपना दिल थाम लो। आप लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए ना? जी जी, वो एक ही हफ्ता हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे इस वीराने में डर नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे जगह बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी उदास होती हूँ यहाँ के बैठ जाती हूँ। नाइस। वैसे करती क्या है आप? मैं इंसानों से मोहब्बत करती हूँ, उनके काम आती हूँ। इंसानों से मोहब्बत? आप मेरी बड़ी बहन को जानते? नहीं, मैंने बताया ना आपको कि अभी कुछ ही वक्त हुआ यहाँ आए हुए, तो इसलिए ज्यादा वाकिफ नहीं है। वैसे कौन है वो? बहुत पहुंची हुई बुजुर्ग हैं। दम तावीज दुरूद करके लोगों का इलाज करती हूँ और मैं उनकी मदद करती हूँ। ये हमारा खानदानी काम है साहब। ओह, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। वाकई अच्छा लगा। सर, लोग तो मुझे बहुत बोर समझते हैं। आप मुझे अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे कुछ। जी, वो अम्मा बा हैं, लेकिन अभी शिफ्ट नहीं हुए, मैं अकेला ही आया हूँ। ठीक है साहिब। मुझे इजाजत दें, शाम को मुलाकात होगी और मैं आपके लिए कुछ पका के लाऊंगी। अरे नहीं नहीं इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही तकलीफ होगी आपको। क्यों, तकलीफ वाली क्या बात है? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ साहिब। हाँ जी, वो बस नौकर तो नहीं है अभी कोई। बस शाम का खाना मेरे घर से आएगा। ये लड़का क्या दीवारों से बातें करना शुरू हो गया? फवाद, आई थिंक मुझे कोई आवाज दे रहा है। आई एम रियली सॉरी, फिर मुलाकात होगी। साहिब, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। आप यूं अचानक? अगर मैं हॉस्पिटल होता तो? तो अपनी माँ को तो अच्छी तरह जानते हो ना? फोन किया था उसने हॉस्पिटल, उसे पता चल गया कि तुमने ऑफ लिया हुआ और तुम घर पे ही हो। अम्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा खैर, मुझे ये बताइए कि आज आप जल्दी फ्री हो गए? आज काम कुछ ज्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत काम था किया और फारिग हो गया। तो तुम्हारी अम्मा ने ये भेजा है तुम्हारे लिए खाना, कलेजी बनाई है स्पेशली। वाजी प्लीज, मुझे एटलीस्ट ये खाना तो नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे अकेला रह रहा हूँ, खाने पीने का बंदोबस्त खुद कर लूंगा, कर भी सकता हूँ। कम ऑन बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? या तुम्हारी नाराजगी तुम्हारी माँ से है? खाने से कैसी नाराजगी? प्लीज ना, मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे अम्मा के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना, और यहाँ पे तो एटलीस्ट मैं उनकी मर्जी नहीं चलने दूँ। जिद नहीं कर आपको मेरी कसम।
अच्छा ठीक है जी, मत खाइए आप खाना। और मैं जो आपकी खातिर अपनी चाय छोड़ के आया हूँ, चाय नहीं पिलाओगे मुझे? ऐसा हो सकता है कि आपको चाय ना मिले? चलें आए, अंदर चल के बैठते हैं, आइए।